जोधपुर एआरटीओ कार्यालय में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पीछे आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये डंपर लगे हुए हैं, 29 के करीब ये डंपर हैं और 3 बसेज हैं। ये देखिए ओवरलोडिंग रहती है या लोगों की शिकायत पे इनकी ओर से रूटीन चेकिंग भी की जाती है, रूटीन नाके भी लगाए जाते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूँ कि ये आरटीओ कार्यालय के बाहर ये गाड़ियाँ जितनी भी लगी हैं इन्हें सीज किया गया है, इनके चालान काटे गए हैं। देखिए कहीं ना कहीं देखें तो लोगों की शिकायत रहती है कि कई बार इनकी ओर से जाम लगाए जाते हैं, ओवरलोडिंग की जाती है, उसके चलते एआरटीओ विभाग की ओर से ये कार्रवाई की जाती है। और मैं गाड़ियाँ फिर आपको दिखा दूँ कि ये देखिए सामने सामने ये 29 के करीब डंपर लगे हुए हैं, ये लोड हैं, ये इन पर रेता लदा हुआ है, ये पूरी लाइन लगी हुई है। ये पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है कि इतनी गाड़ियाँ आरटीओ कार्यालय के बाहर खड़ी की गई हैं और ये सीज की गई हैं। मेरे साथ यहाँ के जो अधिकारी एआरटीओ यहाँ पे खुद यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी टीम पूरी की पूरी टीम यहाँ पर है। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ आपको कि इनकी ओर से कई बार नाके लगाए जाते हैं लोगों की शिकायत पे, और ये जो ओवरलोडिंग खासकर रहती है। सर आपका वीरा चैनल में स्वागत है। सर ये बताएं कि किस तरह का ये नाके लगाए जाते हैं और किस तरह से ये गाड़ियों को सीज किया जाता है, ये क्या क्या इसमें? सर देखिए वैसे तो हमारे रूटीन में हमारी वो चेकिंग जो वीकली हम 2 या 3 दिन करते रहते हैं, लेकिन आए दिन हमें कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से, खास करके जो हमारे इस एरिया के जो जखैनी के एरिया के जो लोकल्स हैं उनकी तरफ से जो शिकायतें आ रही थी कि जहाँ काफ़ी हैवी लोड डाल के गाड़ियाँ जो रोड साइड लगा देते हैं और उसकी वजह से जामिंग रहती है, और बहुत सारी इनकी यूनियन जो अलग अलग इनकी यूनियन से उनसे कंप्लेंट्स रहती थी कि किसी गाड़ी को 200 बैग मिल जाता है और किसी को 600 बैग मिलता है। तो उसी के सिलसिले हमने कल रात को पूरी रात को नाका लगा के, और इसमें जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं जो मैक्सिमम सारी कोई 5 से लेकर 10 और 11 टन के बीच में ओवरलोडेड हैं। सर ये सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपकी ओर से अभी तक कितना, सबसे ज़्यादा कितना चालान काटा गया है? आज तक एज ए आरटीओ मैं बोलूँ तो आज तक मैंने सबसे हाईएस्ट चलान जो किया वो किया 1,18,000 का किया, 1,18,000 का, और लाख रुपए के तो कई सारे चलान किए, बट हाईएस्ट जो मैंने किया 1,18,000 का किया एक गाड़ी को। जी। मुझे ये बताएं कि आपकी ओर से आए दिन नाके लगाए जाते हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार हैं, क्यों कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है कि इनकी गाड़ी अगर सीज की गए तो ना छूटें? ऐसा कुछ नहीं है, सख्त कानून की बात नहीं है, हमें आज की डेट में तो हमारे टारगेट फिक्स हैं। जैसे मुझे मंथली 5 परमिट 5 RC और 5 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने देते हैं करने होते हैं जो मुझे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, और ये जो ओवरलोड के जो नुकसान है खास करके जो ड्राइवर हजरात के एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे ब्रेक डाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो जैसे आप देखते हैं हमारे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मैक्सिमम जामिंग रहती है वो इन्हीं ओवरलोड गाड़ियों की वजह से रहती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी खास करके ये जो वाले जूनियर और ग्रुप हैं जो मिल के चलें, और जे ना जिसको ज़्यादा मिले दादागिरी से ज़्यादा उठा के चलें, बराबर जो आपका प्रस्क्राइब है, जैसे जिसको 9 टन है वो 9 टन ही उठाए, जिसको 15 टन है वो 15 टन ही उठाए। आपने देखा कि ये थे एआरटीओ उधमपुर, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि मैं भी पहली बार ये देख रहा हूं कि इतनी गाड़ियां इनके कार्यालय के बाहर लगी हुई हैं, 29 डंपर बताए जा रहे हैं और 3 बसेज बताई जा रही हैं, इनको सीज किया गया, चालान काटे गए हैं, सबसे ज़्यादा चालान एआरटीओ उधमपुर की ओर से 1,18,000 रुपये का ये चालान काटा गया, और कईयों के 18,000 भी काटे जाते हैं, लेकिन 1,18,000 का सबसे बड़ा चालान जिसे कहा जाए ये वो चालान है। लेकिन मैं फिर अपना कैमरामैन से कहूँगा कि चारों ओर घुमाइए, सामने जो बसेज लगी हुई हैं ये बस हैं और ये 29 के करीब ये डंपर बताए जा रहे हैं, सभी के सभी कार्यालय के बाहर लाया गया और इन्हें सीज किया गया है, और यही मैसेज दिया जा रहा है कि ओवरलोडिंग ना करें। देखिए जिस तरह से ओवरलोडिंग होती है तो लोगों को भी परेशानी आती है और राहगीर जो चलते हैं उन्हें भी, और जो गाड़ियां चलती हैं उन्हें भी कई बार जाम लगता है, और लोगों की शिकायत पर ही इनकी ओर से